रतलाम से, जहां हर क्षेत्र में रतलाम आगे बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार हर क्षेत्र में तेज है। यहां के किसान भी उन्नति की कहानी लिख रहे हैं। यहां खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सिर्फ सपने नहीं देखे जाते, बल्कि किसान खेती को लाभ का धंधा बनाकर दिखा भी रहे हैं। और ऐसी ही कहानी है किसान निर्मला पाटीदार और बिहारी लाल पाटीदार की, जो खुद तो उन्नति के शिखर पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन दूसरे किसानों को भी समृद्धि की राह दिखा रहे हैं। देखिए राइजिंग रतलाम से जुड़ी सफलता की ये कहानी। ये तस्वीरें समृद्धि की हैं, संघर्ष से सफलता के सफर की हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि रतलाम वाकई राइजिंग है, जहां का युवा विकास की नई इबारत लिखने में सक्षम है। ये इबारत लिखी है सिमलावदा के युवा किसान बिहारी लाल पाटीदार ने। बिहारी लाल पाटीदार ने जब पढ़ाई छोड़कर खेती का रुख किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने दिए, लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए बिहारी लाल अपने सपनों को पूरा करने में जुटे थे। सबसे पहले पिता ने भरोसा कर 10 बीघा जमीन दी, जहां खुद की मर्जी से फसल लेने की स्वतंत्रता दी और फसल की पैदावार के लिए 1 लाख रुपए भी दिए। बिहारी लाल बताते हैं, जब जमीन और पैसे मिले तो सबसे पहले हरी मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर की पैदावार की। कुछ फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन कुछ फसलों ने नुकसान की भी भरपाई कर दी। इतना मुनाफा हुआ कि पहली बार में ही बाइक और कार खरीदने का सपना पूरा हो गया। 2012 में मैंने बीकॉम से प्रथम वर्ष की परीक्षा दी, उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी हमने, क्योंकि हमारे खेत में मजदूरों की समस्या थी, काम करने वाले लोगों की या खेती संभालने की समस्या थी, तो हमने खेती करना शुरू करी 2012 में। बाद में पिताजी ने मुझे 10 बीघे ज़मीन दी और कहा कि तेरे हिसाब से अब कर सकता है तू। तो मैंने शिमला मिर्च की खेती लगाई, शिमला मिर्च में मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ, तो मैंने एक कार खरीदी सेकेंड हैंड और एक बाइक खरीदी। बिहारी लाल पाटीदार ने पॉली हाउस बनाकर फूलों के पौध तैयार करना शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में फूलों की खेती होती थी, लेकिन महाराष्ट्र से पौधे लाने में लागत ज्यादा लगती थी। बिहारी लाल ने पौधे बनाने की विधि सीखी और किसानों को कम कीमत में पौधे उपलब्ध कराना भी शुरू कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने खीरा, अलग अलग तरह के गुलाब, शिमला मिर्च का उत्पादन लेना भी शुरू कर दिया। पॉली हाउस के साथ साथ खुले में बागवानी फसलें जैसे अमरूद, स्ट्रॉबेरी और एप्पल बेर की खेती शुरू कर दी। अमरूद के साथ इंटरक्रॉप में गेंदे की खेती शुरू की और स्ट्रॉबेरी में लहसुन की, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा मिलना शुरू हुआ। बाद जब गर्मियों में पानी की आई तो बिहारी लाल ने खेत में प्लास्टिक तालाब बनवाने का फैसला कर लिया। खेत में तालाब बनाने से अब पानी की समस्या भी खत्म हो गई और अब 12 महीने फसलों को पानी मिलता है, ज्यादा फसलों की पैदावार होती है और आय भी कई गुना बढ़ गई है। और उसके बाद में हमारे 25-30 हज़ार रुपये बचे थे, तो उससे हमने नर्सरी के स्टार्ट करी। तो पॉली हाउस लगाना था हमको, तो पिताजी ने मुझे पेमेंट की व्यवस्था करवाई और हमने 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस, जो संभाग का लगभग पहला था, हमने देखा भी नहीं था कि पॉली हाउस किस प्रकार का होता है, हमने शासन की योजना से पॉली हाउस बनाया और धीरे धीरे हमने नर्सरी करना उसमें शुरू करी। नर्सरी करने से हमें उससे अच्छे आय प्राप्त हुई और हमने बाद में जब खाली सीजन था नर्सरी के बाद में, तो हमने उसमें खीरे की फसल लगाई। खीरे की फसल में भी हमें अच्छा फ़ायदा हुआ, तो बाद में हमारी सोच थी कि हमें और आगे पॉली हाउस बनाना है। हमने फिर 2016 में खुद की कृपालु बालाजी रेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खुद की कंपनी बनाई 2016 में, और हमने 2017 में NHM में काम के लिए उसको रजिस्टर्ड करवाई और खुद के पॉली हाउस बनाए। धीरे धीरे हमने 3 एकड़ में पॉली हाउस बनाए और हमारी सिस्टर का, हमारे रिश्तेदारों का और भी लोगों का पॉली हाउस लगभग 17 से 20 पॉली हाउस हम लोगों ने बिना प्रॉफिट लाभ के बनाए। बिहारी लाल के तालाब की सराहना आसपास के किसानों ने भी की है। जब लोगों को तालाब पसंद आया तो बिहारी लाल ने दूसरे किसानों के खेतों में भी तालाब बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं सिमलावदा में 80 से ज्यादा प्लास्टिक तालाब और 50 से ज्यादा किसानों के पास पॉली हाउस है। पानी की हमें समस्या लगने लगी कि हमारे पास पॉली हाउस तो है, लेकिन पानी की मुख्य सबसे बड़ी समस्या थी। इस वजह से हमारे गर्मी के जो 4-5 महीने थे वो पॉली हाउस खाली रहते थे। तो फिर हमने तालाब बनाने का मन में विचार किया, फिर हमने एक तालाब बनाया। तालाब बनाने से हमारी खेती जो पूरे साल हरी भरी रहने लग गई
और पानी बचा तो हमने ओपन फील्ड में भी अमरूद वगैरह, एप्पल बेर, वीएनआर अमरूद के बगीचे लगा लिए और हमारी आमदनी अच्छी बढ़ी। बिहारी लाल ने अपनी खुद की कंपनी बनाकर पॉली हाउस बनाने का काम किया है। बिहारी लाल के साथ उनकी बहन निर्मला पाटीदार भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। निर्मला का कहना है कि वो दूसरे किसानों को भी उन्नत खेती के लिए प्रेरित करती हैं। कई किसान आते हैं और जानकारी लेकर बेहतर खेती कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ सोयाबीन बोए जाते थे, यहाँ पे पानी की भी समस्या बहुत होती थी। हमने फिर एक डैम बनाया, प्लास्टिक डैम है जो हमारे पीछे वहाँ पे है, हमने डैम बनाया, उसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। कई किसान तो ऐसे भी हमारे आए थे विजिट पर, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ छत पे डालने के लिए पन्नी नहीं होती है, पर यहाँ डैम में डली हुई है, हमें बहुत खुशी हो रही है। ये बिहारी लाल के जुनून का नतीजा है कि खेती लाभ का धंधा हो रही है। सरकार की योजनाओं की मदद से किसान उन्नत की इबारत लिख रहे हैं। न केवल निर्मला और बिहारी लाल बल्कि सैकड़ों किसान समृद्ध और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज़, रतलाम।